अच्छा अर्चना जी, इन दिनों देश में एग्जाम का फीवर चल रहा है, सब बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे एग्जाम नजदीक आते ना, सारे बच्चे खुद ब खुद धार्मिक हो जाते हैं. अब घर से स्कूल की तरफ निकलते ना, जितने मंदिर मस्जिद सब आते ना, सब पे माथा टेक के जाते हैं. कई बार तो किसी राजा महाराज की कब्र पे वैसे ही भूल पड़े, उधर भी माथा टेक जाते हैं. अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में जा रहा है ना बच्चा, भगवान को देख के ऐसे माथा टेक के निकलता है, फिर उसको याद आता है, फिर आता है. इससे पता नहीं क्या होता है ना, और डर होता है उनका. अच्छा, कईयों ने प्रसाद की मन्नत मांगी होती है कि हे भगवान, अगर गणित में पास करवा दो तो 51 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा मैं, साइंस में पास करवा दो तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा. अच्छा, मिठाई इन्होंने अपनी पसंद की रखी होती है, क्योंकि इनको पता होता है कि भोग लगवाएंगे भगवान को, उसके बाद खाने तो खुद ही है. और जिस सब्जेक्ट में इन्हें फेल होने का डर होता है ना, उसके रेट ज्यादा आता है. जैसे गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का थोड़ा मुश्किल है, तो हे भगवान 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इसमें पास करा देना. साइंस का टफ होता है, उसमें भी 101. बाकी जो हिंदी पंजाबी मराठी, इनको पता सबको आती है, तो उसमें वैसे ही बोल देते भगवान पास करा दूंगा, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा. ये अपना दिनेश है ना, इसका तो अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया. इसका दोस्त ना मैथमेटिक्स के पेपर के 101 रुपए की मन्नत मांगा है, भगवान 101 रुपए चढ़ाऊंगा. तो ये जाके उसके गले पड़ रहा है, 101 रुपए चढ़ा के आ रहा, कहता मैं 51 रुपए बोल के आऊं, अभी कहता भगवान को 101 रुपए की आदत पड़ गई, वो तो 51 वाले को पूछेगा ही नहीं. अच्छा देखना, जैसा सब्जेक्ट टीचर पढ़ाता ना, उसका एटीट्यूड वैसा होता है. आप हाँ. आप देखना कभी गौर से, जो मैथमेटिक्स का टीचर होगा ना, उसकी मूंछें भी ऐसी त्रिकोण जैसी होंगी. तो मैथमेटिक्स भी टफ सब्जेक्ट होता ना, वो भी टफ बन के घूमता रहता है. हाँ. स्केल की तरह ऐसे कड़क, स्केल की तरह है ना. वैसे साइंस की टीचर को देख लो, आंखों की नजर ठीक भी होती, वैसे चश्मा लगा के घूमती रहती कि टीचर उनको सीरियस ले, उनसे ट्यूशन पढ़ने आए. बाकी आप कभी हिंदी वाले टीचर का मुंह देखना आप, ऐसा कबीर के दोहे जैसा मुंह होगा, कैसे है? अरे देखना, एग्जाम जब शुरू होता ना, तो स्टार्टिंग में बच्चा बड़ा सजा सजा के लिखते हैं क्वेश्चन को, ऐसे फालतू में लाल पेन से लिख देंगे, डायग्राम अलग पेन से बनाएंगे, तो फिर 1.5 घंटा बीत जाता है, तो उसमें उनको पता चलता है कि 3 ही क्वेश्चन हुए, 12 भी और पड़े हैं. फिर इनकी राइटिंग डॉक्टर वाली हो जाती है, धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं. फिर तो ऐसा रायता फैलाते हैं, अकबर ने इतना रायता नहीं फैलाया होता जितना ये फैला के आते हैं. अच्छा, जैसे ही पेपर लेने वाला आता ना, टीचर आता है, तो ये हाथ ऐसे रख लेते हैं कि चीना सर 2 मिनट रहता है, फिर लिख रहे हैं, उसकी तरफ देखते हैं सर 2 मिनट, सर 2 मिनट. अच्छा, जो 3 घंटे में किया, 2 मिनट में पता नहीं क्या करते हैं. तो टीचर फिर ऐसे ही छीन लेता ना पेपर ऐसे, तो एक नुक्कर ना खुद पकड़ लेते हैं, सर प्लीज 2 मिनट, सर 2 मिनट दो ना सर, सर सर. टीचर भी सोचता है, ये दिनेश तो जहां से इसके टीचर ने छीना ना पेपर, कहता सर 1 सेकंड, वो खींच रहा है, कहता एक दिन वहां पे लिखा है, कहता इसके बाद मेरा पेपर छीन लिया गया, ले लो सर. इसको संस्कृत का पेपर आया, उसमें एक लाइन थी, तमसो मां ज्योतिर्गमय है. वो बोलते इसका हिंदी में अनुवाद करो. ये तो आपको पता ही, फिर इंटेलिजेंट मैन, विद्वान, कहता तमसो मां ज्योतिर्गमय, हिंदी में अनुवाद करना, तमसो मां तुम्हारी मां ज्योतिर्गमय, ज्योति के घर गई हुई है. उसका अर्थ होता है कि हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो, ज्योति की तरह. भाई साहब, जो जितना समझ में आया लिख देते हैं. एक बार इसको फिर दोहा आया ऐसे, कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बताओ अर्थ क्या है, कभी क्या कहना चाहता है. तो ये छोटा था तभी तो कहता है, कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, कबीरा बाजार में खड़ा खैरात मांग रहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. वो कहता है कि मेरे दोस्त को बोलो थोड़े बेर ले गए, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं. एक बार तो हद हो गई पता है. एक बार आया कि गीता का सार 500 शब्दों में लिखे. इसको जितना आता था इसने लिख दिया. बाद में शब्द गिने 250 थे. इसको समझ में ना, आप क्या करें. इसने अगली लाइन में लिखा, हे अर्जुन, मैं जब सुना रहा था तेरा ध्यान इधर उधर था, दोबारा फिर से सुन. ये दूसरी बार लिखा है. कुछ स्टूडेंट बड़े ढीठ होते हैं, पर्ची लेके जाते हैं चीटिंग करने के लिए, पकड़ के तो आप टीचर से बहस कर रहे होते हैं, ये क्यों छीन रहे सर, ये तो ये पर्ची निकली, ये तो आया भी नहीं क्वेश्चन, इसमें क्या पकड़ने वाली बात होगी. अच्छा, कई बच्चे बड़े शाने होते हैं, डेयरिंग बच्चे होते हैं ना, वो डरते नहीं है. वो फिर सीधे सीधे धमकी लिखाते आंसर शीट पे, प्रिय टीचर, आपका और हिंदी वाली मैडम का जो व्याकरण चल रहा है उसके बारे में हमें सब पता है, इसलिए कुछ ऐसा करो कि आपकी भी इज्जत बनी रहे और मेरा भी भविष्य बना रहे. अच्छा, ये बच्चों का दिमाग बड़ा होता है. हाँ. खाली पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, कोड रखे होते हैं कि अगर मैं खांसू तो तू समझ लेना
कि मैं क्वेश्चन का वो पूछ रहा हूँ, अगर मैं थंब अप करूँ तो समझना चौथा क्वेश्चन है. तो फिर ऐसे ऐसे कर रहे होते ना, जब टीचर आ जाता ना, फिर चार नंबर करके पूछ रहे थे, टीचर आ जाते कहते अच्छा यही नहीं है कि चीटिंग करने वाले निकम्मे बच्चे होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं ना. मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आपको पता चलेगा कि इनकी क्रिएटिविटी किस लेवल तक है. यहां पे दिखाओ जरा, ये देखो, ये टीचर की क्रिएटिविटी है. उनको पता है हमारे बच्चे नकल मारेंगे मारेंगे, उन्होंने खुद पेपर काट के ऐसे लगाए हुए हैं. और भी ये देखो, ये लड़कियां जो एक्स्ट्रा नेल्स लगवाती है ना कि हम खूबसूरत दिखें, इनकी खूबसूरती इधर दिखती है हमें. ये देखिए आगे आगे चलो, ये देखो ऐसे बच्चों को हैंडशेक करने को बोलो करते नहीं, नमस्ते कर देते हैं. तो पता ना पूरा चैप्टर को. आगे और भी है, ये देखो, इसने टांगों के बाल इसलिए नहीं रेजर से हटाए कि अगर कोई आ गया तो मैं ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लूंगा कि पता नहीं चले नीचे क्या लिखा हुआ है. और भी है, ये देखो. तो ये अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है. बच्चे पर्ची ना, इसमें भी बड़ी क्रिएटिविटी होती है कि पर्ची कहाँ पे छुपा के रखनी है. आप देखना, कई बार जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनकी चाल ये थी, हेलो मैम हेलो, ये करके निकलते हैं. एग्जाम वाले दिन इन्होंने इतनी पर्चियां छुपा रखी होती हैं हर जगह कि इनकी चाल ही ऐसी हुई होती है. हेलो, फिर तो ये होता है कि मैं जाके बैठ जाऊं, टिक जाऊं, क्योंकि ज्यादा भी उछल कूद की ना तो नीचे से सारा सामान निकल आएगा. एक ऐसे बच्चे की ना पर्ची पकड़ी गई, तो टीचर ने ऐसे पकड़ ली, ये क्या लिखा है, हैं? उस पे लिखा होता हमायूं कच्छे में, बाबर बनियान में, पलासी की लड़ाई बगल में. कहता ये क्या बे? टीचर बोलता है, कहता है सर ये तो कुछ नहीं है, ये तो मेन्यू है कि कौन सी पर्ची कहाँ पे रखी हुई है. ये रहा आपका बाबर, ये रहा माही. अच्छा कॉन्फिडेंट बच्चा जो होता ना, अच्छा कुछ टीचर आता ना, बेटे आपको किसी को पता वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कॉन्फिडेंट बच्चा सवाल ही नहीं पूरा आता. यस सर. जिस बच्चे को नहीं आता टीचर को पता होता कि ये चार छह नालायक बच्चे हैं क्लास में, वो फिर उसको तो पता है मार पड़नी है, वो फिर कोशिश करता है कि जितना डिले हो जाए थप्पड़ आने में उतना ही अच्छा है. तो मान लो उससे सीधा सीधा पूछ ले, खड़े हो जा, तो पहले तो खड़े होने में 3 सेकंड लेगा वो. बताओ हमायूं भारत कब आया था? पता भी क्वेश्चन क्या पूछा, फिर कंफर्म करते हमायूं. अरे हाँ हमायूं हमायूं. आया तो था. फिर ना जो अनएक्सपेक्टेड थप्पड़ आता है ना, वो लगता है बड़ी जोर से आया तो था. हुमायूं के बाबर. ए, बच्चे ने डिले करते हैं, इनको थप्पड़ पड़ जाते हैं. अरे कुछ बच्चे ना सॉलिड होते हैं. एक तो ये होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता है, डिले करते हैं. दो तीन तरह की वैरायटी होती है अपने देश में पाई जाती है. एक होते हैं थोड़ा एक्टर बच्चे, जो वो उनको टीचर बोल रहे ना कि खड़े हो जाओ बताओ, तो वो पहले ही बोलते रहते क्या हुआ है, खड़े हो सर. सर मम्मी ठीक रही थी. उनके क्योंकि झूठ बोल रहे थे ना, उनके जेस्चर अपने बयान के साथ मिलते नहीं है. सर मम्मी ठीक नहीं थी. पेट क्यों पकड़ा हुआ है? मेरा भी पेट खराब है. उनको तो थप्पड़ पड़ती है. कुछ बच्चे होते हैं एग्जैक्ट, उनको टाइम नहीं वेस्ट करना आता. मेरे बड़े राजेश तुम्हें आता है माइन को पाया था? सीधा थप्पड़, वो पूरा वो आते कराते खेलना शुरू करते टीचर का. जो एक्टर बच्चे होते हैं ना एक्टर, उनको होता है कि यार मैं थोड़े से एक्सप्रेशन दूंगा, हो सकता है टीचर धीरे से मारे ना. तो अभी पढ़ा भी नहीं है. कई बार ना ये जो बच्चों की पढ़ाई होती ना, इसमें बच्चे के नंबर कम आ जाएं, तो माँ बाप की तलाक तक करवाने जाते हैं. क्योंकि माँ बाप की आपस में लड़ाई हो जाती ना, माँ और बाप देते हैं कि इतना पैसा खर्च किया नंबर फिर भी नहीं आए, तो लड़ाई शुरू हो जाती है. तुम इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, सारी जिम्मेदारी. अच्छा औरत भी भड़कती, सारी जिम्मेदारी मेरी है, पैदा मैं अकेली करूं, पढ़ाऊं भी मैं. आदमी भड़कता है, मैं ऑफिस का काम देखूं कि इसकी पढ़ाई देखूं मैं.
वो बोलती मैं भी तो घर का काम संभालती हूँ, मैं कौन सा फ्री में बैठी खा रही हूँ तुम्हारी रोटियां। अरे तुम बढ़ा भी नहीं सकती, तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट देखी मैंने, तुम तो खुद 30% से पास हुई हो। बीवी भी चढ़ जाती है एक सुर, हाँ तो तुम्हारा भी देखा है, तुम भी ग्रेस नंबर लेके पास हुए हो, वो फिर और भड़कता है, तभी तो तुम्हारे से शादी हुई। वो भी भड़कती है, तो कर लेते किसी डॉक्टर से शादी। इस चक्कर में कभी कभी तलाक होते होते बचता है बड़ा, मतलब तो बच्चों पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करो, माँ बाप को अलग ना करवा देना कहीं। अच्छा लड़कियों का मैंने देखा, लड़कियां ना थोड़ी होशियार होती हैं ज्यादातर, लड़की एग्जाम के बाद जो डिस्कशन होता है ना, तूने कितने नंबर का अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा खराब हो गया, यू नो ओनली 98 का अटेम्प्ट किया, दो नंबर छूट गए, इनको लगता है ये खराब हुआ। इधर हमारे जैसे लड़कों से पूछ लो कितना हुआ, भाई बढ़िया हो गया, 35 नंबर का अटेम्प्ट किया है। एक दो गलत भी हो गए 32 आ जाएंगे, एक आध ग्रेस मिल जाएगा, नहीं होगा तो बाप की बीमारी की चिट्ठी भी डाल दी मैंने अपना सेट है। पर एनीवेज शिक्षा हमें यही सिखाती है कि इंसान को अपनी गलतियों का कन्फेस करना चाहिए। बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी भाई बहन बैठे होंगे जिन्होंने कभी चीटिंग वीटिंग की होगी, की आपने कभी चीटिंग? अर्चना मैम आपने कभी चीटिंग की एग्जाम में? मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ी हूँ, तो वहाँ तो मतलब बोलते थे जहाँ पे हमें एडमिशन ही नहीं मिलती। शुक्र है नहीं मिली तुझे। आप सिर्फ लड़कियों के स्कूल में पढ़े हो, आपको एडमिशन कैसे मिल गया? तब तक मेरी मूंछें नहीं आई थी ना, तब मुझे ले लिया था उन्होंने। ये वो स्कूल में पढ़ी जिसका प्रोस्पेक्टस ही मना कर देते थे, सर वो एडमिशन लेना था, चलना हट पे आ गया, हमें तो साफ मना कर देते थे। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे टोटके अपनाते हैं जैसे भगवान के मंदिर में जाके 51 रुपए का प्रसाद की मन्नत मांगा है या कुछ मांगा है, ऐसे टोटके कभी आप लोगों ने किए एग्जाम में पास होने के लिए? हाँ। है कोई हमारे दोस्त? अंकल आप इतना हंस रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों लगता आपने अपने टाइम पे किए तो है कुछ। आपने आप ऐसे मेहनत से पास होते थे आप? नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप, कहाँ से आए आप? इंदौर से। इंदौर से? हाँ। अच्छा जी वाह, स्वागत है आपका। तो आपने कभी नहीं किया ऐसा? मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। आपको कैसे पता, बताया बेटे ने आके? हाँ बेटे ने बताया ना। इतना ईमानदार बेटा है आपका, क्या किया बेटे ने? मैं बेटे को बोलता था पढ़ाई कर, लेकिन वो बोलता था मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। क्यों? वो सफेद शर्ट पहन के जाता था और वो पास होके बताता था, उसको लगता था कि सफेद शर्ट पहन के पहनने से पास हो जाता हूँ। अच्छा वाह। और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया, तब भी वो सफेद शर्ट पहन के गया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया, नौकरी मिल गई। हाँ। अच्छा अगर ऐसा होता तो फिर अब्बास मस्तान तो प्रधानमंत्री बन गए होते, वो तो पहनते ही सफेद है। पर ऐसा बच्चों के मन में तभी आता है जब माँ बाप ऐसी कुछ सिखा। आपने कभी सिखाया ऐसी बात? नहीं मैंने नहीं सिखाया था। आपने नहीं सिखाया था? नहीं सिखाया। क्या करता है आपका बेटा? वो बैंक में क्लर्क है। अच्छा जी क्लर्क है, चलिए बड़ा ईमानदारी से जवाब दिया कि मैंने नहीं किया मेरे बेटे ने किया। हो सकता है अगले एपिसोड में इनका बेटा है, मैं तो नहीं कहता मेरे पापा करते थे, पर चलिए ईमानदारी तो है। धन्यवाद सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी, क्या हाल है? मैं उमेश यादव ग्वालियर से हूँ। ओके जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, हाँ जी, मैं पेपर दिए तो वो सही नहीं गए थे, और उसके बाद फिर मैं सैड हुआ तो मेरे एक दोस्त के फादर थे। अच्छा। उन्होंने एक फार्मूला बताया कि पेपर से पहले एक दिन कुछ खाओ नहीं, कुछ खाओ तो, नहीं, हाँ बेहोश हो जाओ उधर, नहीं पूरा खाना नहीं खाओ। अच्छा, और उसके बाद पेपर आपके सही जाएंगे। अच्छा तो फिर आप भूखे रहे सारा दिन? एक दिन भूखा रहा। कौन से सब्जेक्ट का पेपर था? मैथ्स का। अच्छा, और उसके बाद मैंने पेपर दिया और पेपर अच्छा गया, और उसके बाद मैंने दबा के खाना खाया। नहीं इसके पीछे हो सकता साइंटिफिक लॉजिक भी हो, क्योंकि हम लोग जब कभी ज्यादा खाना खा लेते ना दिखाई नहीं देता कुछ कि आसपास क्या हो रहा है ना, आदमी खा के थोड़ा सुस्त भी हो जाता है ना, दिमाग सुन्न हो जाता है कभी कभी, ज्यादा खाते ना। करते क्या हो आप? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। इनकम टैक्स में हूँ, चाय लेंगे आप? ग्वालियर में? नहीं मेरी गुड़गांव पोस्टिंग है। गुड़गांव पोस्टेड? अच्छा है आप ग्वालियर से, पोस्टिंग आपकी वहाँ पे है। मेरा शादी हुई है अभी। अच्छा जी, अरे बहुत बहुत मुबारक हो आप। वाइफ है। नमस्कार जी, कैसे आप? कभी हुई शादी आपकी? ये हुई 27 जनवरी। अच्छा अभी अभी। तो कहीं हनीमून मना के उधर शो देख रहे बैठ के? गोवा से आए। देख लो गोवा हुआ, जहाँ मर्जी घुमाओ मजा इधर ही आएगा आपको। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी शादी। तो आपकी वाइफ भी जॉब करती है? सब इंस्पेक्टर है एमबी पुलिस में। अच्छा, आप लेंगी जूस वगैरह? यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, एक इनकम टैक्स में है, दूसरी बीवी अपनी जो है मतलब पुलिस में है। वाह। वैसे एक बात पूछना चाहता हूँ पर्सनल, ऐसे बीवी इंस्पेक्टर हो, एक तो बीवी, हाँ ऊपर से इंस्पेक्टर, तो कैसा रहता है?
वर्दी पहन के जब आती है शाम को, कैसे हो आप? आपको थोड़ी देर के तो लगता ही होगा कि पुलिस आ गई। थोड़ा फील तो होता है। पुलिस आ गई। एक मिनट माइक देना मैडम को। ये पुलिस वालों को तो आदमी डरता है, वैसे ही निकल जाता, आंख नहीं मिलाता। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपको, मतलब आप तभी नौकरी करती थी? नहीं नहीं सर, अभी अभी जान पहचान हुई है किसी जरिए से। अच्छा, कहीं नाके पे रोका था इनको? कैसे मुलाकात, कैसे? मैट्रिमोनी। मैं तभी सोचूं एक पुलिस वाले ऑफिसर से तो आदमी वैसे ही नहीं डरता ही नहीं कभी ऐसा प्रपोजल रखेगा। पर अच्छा, आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? छोटी बच्ची देखो, ये भगवान का रूप क्यों होते हैं बच्चे? देखो आप, ये देखो, ये दूसरी रो में जो बच्ची बैठी हुई है, ये एज सबसे बेस्ट है अर्चना जी। नहीं तो देख लो, बड़े हो जाते फिर यही टेंशन है कि करना क्या है। ये बेफिक्र, हाँ, अपनी नौकरी ढूंढो, शो शुरू करो, फिर बंद हो जाते हैं बीच में, फिर वापस शुरू करो, फिर वापस शुरू करो। ये उम्र सबसे बेस्ट है, 500 लोग ताले बजा रहे, वो अपने आराम से सो रही है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.